नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट ऑफ हीलिंग। आज हम एक वास्तु टिप के बारे में जानेंगे। जी हाँ, मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आए कि सर जो वॉल क्लॉक है वो हमें कौन सी दिशा में रखनी चाहिए, टांगनी चाहिए। वेल, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो आपकी जो वॉल क्लॉक है वो केवल दो ही दिशाओं में आपको रखनी चाहिए या टांगनी चाहिए, प्लेस करनी चाहिए। पहला है ईस्ट और दूसरा है नॉर्थ। जब आप वॉल क्लॉक को ईस्ट में टांगेंगे, ईस्ट में रखेंगे, तो वो आपके जीवन में अच्छी हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस लेकर के आएगा। स्पेशली हेल्थ और सक्सेस आपको मिलेगी अगर आपको आपने जो वॉल क्लॉक है वो ईस्ट की दिशा यानी कि पूर्व दिशा में आपने अगर टांगी हुई है, तो आपको बहुत अच्छी हेल्थ मिलेगी और सक्सेस मिलेगी। वॉल क्लॉक अगर आपने नॉर्थ दिशा में टांगी है यानी उत्तर दिशा में आपने इस घड़ी को टांगा है, वॉल क्लॉक को टांगा है, तो आपको जीवन में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और साउंड वेल्थ की प्राप्ति होगी। ये दो दिशाएं बेस्ट हैं। अगर इन दो दिशाओं में किसी कारण के वजह से अगर आप वॉल क्लॉक नहीं लगा सकते, तो आप वेस्ट में भी लगा सकते, यानी पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं, उस दिशा से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन बेस्ट पोजीशन जो मानी गई है वास्तु शास्त्र के हिसाब से, वो ईस्ट और नॉर्थ बताई गई है। एक बात को और ध्यान रखें, वॉल क्लॉक कभी भी दक्षिण दिशा यानी साउथ की दिशा पे आप नहीं टांगेंगे। साउथ की दिशा यम का स्थान है और इस स्थान पे वास्तु शास्त्र के हिसाब से वॉल क्लॉक को टांगना निषेध बताया गया है, और आप इसका ध्यान जरूर रखेंगे। मैं आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी और आप जरूर अपने जीवन में इन जानकारियों को पा करके अपने जीवन में परिवर्तन जरूर लेकर के आएंगे। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।